तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंस्टाग्राम का 2-3 अकाउंट है जो कि आपने गलती से बना लिया हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी से अपने अकाउंट को क्रिएट किए हो, और आप सोच रहे हो जो भी अकाउंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर वो बेकार है, आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है कि हम उस अकाउंट को कैसे डिलीट करें परमानेंटली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे कैसे अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो डिफरेंट अकाउंट से अपने बनाए हुए हो और आप सोच रहे हो उसको डिलीट करना, तो इस वीडियो में पूरा विस्तार से हम बात करेंगे कैसे अपना अकाउंट को हम डिलीट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि अपना अकाउंट जो है वो डिलीट करना है, तो उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आप डिलीट करना ही चाह रहे हो तो आपको माइंड सेटअप पूरा क्लियर करना है कि अपना अकाउंट जो है वो डिलीट आप परमानेंटली कर रहे हो। क्योंकि अगर एक बार अपना अकाउंट डिलीट कर लेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फिर से रीएक्टिवेट कर नहीं पाओगे, इसीलिए आपको सोच के वो एक्शन आपको लेना है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपका अकाउंट डिलीट करना ही है, तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, बिना स्किप करके आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो अकाउंट परमानेंटली डिलीट ना हो और आपको परेशानी आए। तो अगर आप कोई भी परेशानी के फेस ना करो, इसीलिए आपको आपका जो ये वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे देखिए। तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे अपना जो भी इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखिए, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा राइट साइड के कॉर्नर में, उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर में 3 डॉट लिखा हुआ है, आपको 3 डॉट में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प, आपको हेल्प में क्लिक कर देना है। और उसके बाद हेल्प सेंटर में आपको क्लिक कर देना है। जब भी आप हेल्प सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्राउज़र से ओपन करने के लिए मांगा जाएगा। तो आपको कोई भी ब्राउज़र से, चाहे वो गूगल क्रोम, जो भी आपको ब्राउज़र यूज़ करते हो उसी ब्राउज़र से आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हेल्प सेंटर में, देखिए सेकंड ऑप्शन मिलता है मैनेज योर अकाउंट, ठीक है। तो आपको मैनेज योर अकाउंट में क्लिक कर देना है। उसके बाद डिलीट योर अकाउंट, आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज योर अकाउंट के अंडर, आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन डिलीट योर अकाउंट, आपको डिलीट योर अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाता है। हाउ डू आई टेम्पररली डिसेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्शन मिलता है। उसके बाद है हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है हाउ डू आई एसेस और रिव्यू माई डाटा एंड इंस्टाग्राम। तो आपको जैसे कि अगर परमानेंटली आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको डिलीट करना है, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, जैसे कि हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पररीली, अगर आप चाहते हो अपना अकाउंट जो है वो टेम्पररीली डिलीट करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और या फिर आप ठान के रखे हो कि आपको अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, टू रिक्वेस्ट द परमानेंट डिलीटेशन ऑफ योर अकाउंट, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेकेंड फर्स्ट ओपन में आपको डिलीट योर अकाउंट लिखा हुआ है, आपको डिलीट योर अकाउंट में क्लिक कर देना है। जब भी आप डिलीट योर अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जो भी आप मोबाइल नंबर या फिर जो भी आप यूज़ किए हो, इसी मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से मेरा आईडी एंड पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका जो भी प्रोफाइल नेम है या फिर आपका जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, हाई प्रो गेमिंग YT लाइव, वी आर सॉरी टू हेयर यू लाइक टू डिलीट योर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको कीप योर डाटा सेफ, और उसके बाद ऑप्शन आता है व्हाई आर यू डिलीट योर अकाउंट। तो आपको अगर आपका अकाउंट डिलीट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक रीज़न देना पड़ेगा किस वजह से अपना जो अकाउंट है आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रबल शूट बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपके हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, समथिंग एल्स, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है समथिंग एल्स, आपको समथिंग एल्स में चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे समथिंग एल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, आपको अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको पासवर्ड डाल देना। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो रीएंटर करने पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड फिर से डाल देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद परमानेंट डिलीट माई अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, आपको परमानेंट डिलीट अकाउंट में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे वार्निंग दे देगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, तो आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन रिमूव, वी आर सॉरी टू सी यू गो,
तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। आप अगर फिर से लॉगिन होना चाहोगे, ट्राई करना चाहोगे लॉगिन करने के लिए, तो आपको वो लॉगिन होने नहीं देगा क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया है। तो हम अभी देखिए, जैसे कि मेरा अकाउंट मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया, जिसके हमने गूगल ब्राउज़र में डिलीट किया। अभी अगर हम अपना एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली देखिए लिखा हुआ यू हैव बीन लॉग्ड आउट। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना एप्लीकेशन से यहाँ से लॉग आउट कर दिया जाएगा और आप फिर से इसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे लॉगिन करने के लिए, देखिए प्रो गेमिंग YT लाइव यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, और यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ हमें लॉगिन करने की ऑप्शन देता है। देखिए यहाँ पे लुक लाइक यू आर रिक्वेस्टेड टू डिलीट दिस अकाउंट, यू कैन लर्न मोर इन द हेल्प सेंटर। ठीक है, तो आप यहाँ से अपील भी कर सकते हो। अगर आपने गलती से अकाउंट को डिलीट करने की ऑप्शन में चूज़ कर लिया, तो आपको यहाँ पे अपील कर सकते हो, आपका अकाउंट जो है वो फिर से रिएक्टिव करना है। और वो जो प्रोसेस है रिएक्टिवेशन का प्रोसेस, 30 डेज़ के अंदर ही करना पड़ेगा। अगर 30 डेज़ के बाद आप करते हो तो आपका वो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स अपना जो अकाउंट्स है, अपना जो डिफरेंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, उस अकाउंट को हम इजीली डिलीट कर पाएंगे और वो भी परमानेंटली। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देख के आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर आप मेरा चैनल पर आप नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।